खरगोन जिले के आज सेगांव नगर में राम मंदिर में गणमान्य नागरिकों ने तहसीलदार राधेश्याम पाटीदार, नायब तहसीलदार राकेश बर्डे और पुलिस चौकी प्रभारी राजेंद्र अवासिया की उपस्थिति में सर्वसम्मति से निर्णय लिया। शुक्रवार को सुबह 7 बजे से 9 बजे तक गणगौर माता के ज्वारे माता लाने वालों के घर पर जाकर वितरण किए जाएंगे। शनिवार सुबह 8 बजे माता के ज्वारों को घर से ले जाकर सांकेतिक रूप से विसर्जन किया जाएगा। वहीं माता की बाड़ी दर्शन के लिए प्रतिबंधित रहेगी। इस अवसर पर नगर के वरिष्ठ बोंदर सिंह मंडोई और हीरालाल पाटीदार की उपस्थिति में उपसरपंच हरिओम यादव ने बताया कि कोरोना के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए जल्दी गाँवों में चारों ओर नाकाबंदी की जाएगी। गाँव में किसी को भी बाहर आने जाने के लिए 24 घंटे तक प्रवेश नहीं दिया जाएगा। सेगांव से संजय जायसवाल की रिपोर्ट। कुछ लड़के क्या कर रहे हैं, मेडिकल का बहाना लेके घूमने फिरने बाहर निकल रहे हैं। वो वहाँ पर भी अनावश्यक कतार में भीड़ लगा रहे हैं। वहाँ ये कह रहे हैं कि अगर आपने हमारी जांच नहीं की तो मैं कैसे भी शिकायत करूँ। गाँव की बैठक में ये कोरोना वायरस की स्थिति को देखते हुए काफ़ी गंभीर समस्या है, तो माता की बाड़ी की जो पूजन होती है वो पूजा नहीं की जाएगी और माता जी 4 गाड़ियां करके जगह जगह लोगों के घर दे द्वारे रखे जाएंगे और दूसरे विसर्जन के लिए भी वहीं से एकत्रित किए जाएंगे। ये कोरोना वायरस को लेकर अगला आपका क्या? कोरोना वायरस को देखते हुए काफ़ी स्थिति गंभीर है, इसलिए गांव बंदी का भी निर्णय लिया गया है और गांव में से 20-25 लड़के निकाल कर हर चौराहे पर या गाँव की लकड़ों बिठाया जाएगा और कोई भी व्यक्ति हो गांव में उसका प्रवेश निषेध रहेगा। क्या नाम लिखते हैं? हरिओम यादव, उपसरपंच सेगांव। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।